हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप पे आप सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है एंड वेलकम अगेन आप सभी का। आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से कर लीजिए भाई क्लास को ज्वाइन। आज डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें भाई सारे स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमारी आयोनिक इक्विलिब्रियम की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, होप कि आपने वो देख ली होंगी। तो चलिए, तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम पीएच ऑफ अ मिक्सचर देख रहे हैं, है ना। हम पीएच निकालना चाह रहे हैं किसका, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन का, है ना। तो सबसे पहला केस हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रोंग एसिड है और उसका अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच हम कैसे निकाल सकते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून सूर्या। और एक और आपको बता दूं भाई मैं थोड़ा सा अपडेट, कि केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आपने देख ली होगी शायद। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले फोल्डर में ही अपलोड हो गई है। ठीक है, जिसमें मैंने नेट गेट और जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये मिस्टेक हुई है, वो आपको समझ में आ जाएगी अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे भी करवाया था। सर फर्स्ट होमवर्क के क्वेश्चन 1.6 एंड सेकंड होमवर्क का आंसर 2.26। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया सूर्या आपने, बिल्कुल सही बताया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, एंड उसमें जो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले वो स्ट्रोंग एसिड का स्टार्ट किया था, है ना। वेरी गुड भाई सूर्या, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही मेहनत करते रहना, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमने स्टार्ट किया था मिक्सचर ऑफ स्ट्रोंग एसिड, कि भाई अगर आपके पास क्या होता है, मिक्सचर हो स्ट्रोंग एसिड का, मिक्सचर ऑफ स्ट्रोंग एसिड अगर आपका हो तो आप उसकी पीएच कैसे निकालेंगे। लास्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, याद है ना सभी को। चलो भाई, तो इसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, दो कहानी बताई थी। पहले तो मैंने ये बताया था अगर आपको सिर्फ मोलैरिटी गिवन हो, है ना। मैक्सिमम पीवाईक्यू क्वेश्चन क्लास में ही डिस्कस हो गई है। यस बिल्कुल सही बात है सरिया, फिर भी देखो भाई मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी दूं। ठीक है, समझ में आई ना बात। तो अगर आपको सिर्फ ओनली मोलैरिटी या फिर नॉर्मैलिटी इज गिवन, अगर सिर्फ वो ही गिवन हो तो फिर आपको उसके लिए फार्मूला मैंने अलग बताया था, अगर वॉल्यूम गिवन हो तो उसके लिए अलग बताया था। तो लास्ट में मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे भाई, पहले वही डिस्कस करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि यहां पे जो कंसंट्रेशन आ जाएगी स्ट्रोंग एसिड की वो रख देनी है समीशन करके, अगर वॉल्यूम भी आए वहां पे, है ना। इफ वॉल्यूम भी गिवन हो, इफ एम एंड एन एंड वॉल्यूम भी गिवन हो तो वहां पे फिर हम वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, अगर वॉल्यूम ना गिवन हो तो अलग बात है। वेरी गुड राहुल, आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। और मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको इस वीडियो में, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो आपका एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है फाइनल वाली, है ना, टी का मतलब फाइनल लिख लो चाहे आपको, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, एम आई वी आई, और नीचे क्या कर देंगे आपका समीशन ऑफ वी आई। अब यहाँ पे वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, अब यहाँ पे वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। तो लास्ट में जो दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, पहले उनका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका होमवर्क था वो क्या था, आपको ये बोला गया था कि अगर आपके पास 100 ml हो N/10 HCl, N/10 HCl, उसके बाद क्या बोला था भाई यहां पे 500 ml हो आपके पास क्या, N/25 H2SO4, एंड आपको क्या भी बोला था अगर आपके पास 200 ml हो जाए N/10 HNO3। एंड यहां पे देखिए इसमें जो एक ट्रिकी पॉइंट था वो क्या था, एंड यहां पे आपको 1.2 लीटर ऑफ वाटर भी गिवन था, इसके लिए आपको क्या निकालनी थी, पीएच निकालनी थी। तो क्या फार्मूला किया जाता था भाई, पहले तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालेंगे, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई, पीएच निकालना बड़ा आसान होता है। तो क्या फार्मूला भाई, यहां पे वॉल्यूम गिवन है यस, इसलिए वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। तो क्या मल्टीप्लाई, 100 की मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, प्लस में क्या करेंगे 500 की मल्टीप्लाई कर दो 25 से। क्या ओनली 25 से, क्या सर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
नहीं करेंगे भाई यहां पे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नॉर्मेलिटी है, अगर मोलैरिटी होती तो करते, अब नहीं करेंगे। तो 200 इनटू में क्या करेंगे, 1/10, ठीक है। अब बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं इस क्वेश्चन में, देखो यहां पे 100 ml लिया, यहां पे 500 ml लिया और यहां पे 200 ml, तो बच्चे क्या करेंगे यहां पे सिर्फ 800 ml लिख देते हैं। भाई स्टूडेंट्स अब आपको यह ध्यान देना कि पानी की भी वॉल्यूम आपको बताई गई है कि इतना पानी 1200 ml आपके पास है, 1200 ml है, इसके अंदर आपने ये डाला एसिड 1, एसिड 2 और एसिड 3। अब टोटल जो वॉल्यूम है वो कितनी हो चुकी होगी, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये 1200 ml ऐड करना पड़ेगा। ये 1.2 लीटर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 1200 ml आपकी वॉल्यूम और ऐड हो जाएगी। जब आप देखेंगे फाइनल पीएच तो वो कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू में 10 की पावर -2। और इसकी पीएच निकालना बड़ा आसान होता है, कैसे, जो कि जो भी 10 की पावर -2 हो तो 2 आगे लिखो एंड माइनस लोग 2.5, ठीक है। इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो यहां से आपकी जो पीएच आ जाएगी वो 1.6 आ जाएगी, जो कि सूर्या का भी सही है एंड राहुल का भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना भाई। ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपने बताया था, ये होमवर्क था भाई आपका फर्स्ट, ये मैंने समझा दिया, आपका बिल्कुल ठीक था भाई, दोनों बच्चों ने जिन्होंने भी आंसर दिया है, बाकी का भी ठीक होगा, जो बाकी बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला कि इक्वल वॉल्यूम डालिए, और इसके लिए एक ट्रिक भी बनेगी भाई आपका, अगर आपने यहां पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच इज इक्वल टू 2, है ना, ऐसा है जिसकी पीएच 2 है एंड पीएच 3, उन दोनों को हमने क्या कर दिया है, आर मिक्स्ड अप, उनको हमने यहां पे मिलाया है, देन आपको क्या करनी थी यहां पे फाइनल पीएच निकालनी थी कि फाइनल पीएच क्या होगी। तो देखिए भाई ध्यान से, इसके लिए मैं हालांकि ट्रिक बता दूंगा एक आपको, तो उससे काफी आसानी हो जाएगी आपको। अब यहां पे वॉल्यूम इक्वल रखी गई है एंड पहले पीएच इतनी थी और दूसरे सॉल्यूशन की पीएच इतनी थी, अगर पीएच 2 है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव क्या आ जाएगी, 10 की पावर -2, यस बिल्कुल सही है। अगर पीएच आपने 3 डाली है तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, एच पॉजिटिव की 10 की पावर -3, ठीक है, ये कंसंट्रेशन, वॉल्यूम इक्वल है, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम अगर फाइनल कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं एच पॉजिटिव की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, वॉल्यूम अगर मैं मान लेता हूं कि V है एंड यहां पे इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, यहां पे प्लस करेंगे इसको, सॉरी प्लस करेंगे यहां पे भी V हो जाएगी और ये 10 की पावर -3 हो जाएगी एंड यहां पे अगर आप देखोगे V प्लस V कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो V से V कैंसल आउट हो जाएगा और ये आएगा आपका 1.1 इंटू में 10 की पावर -3 और Y में कर देंगे 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका जो पीएच आ जाएगा वो आएगा आपका 2.25, क्या आ जाएगा, 2.25। किसी का 2.26 आया वो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। अब देखो भाई बार बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसके लिए एक मैं आपको ट्रिक लिखवा देता हूं, एक जर्नल फॉर्मूला लिखवा देता हूं इसके लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा भाई। अगर आपके पास किन्हीं भी दो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड जिनकी वॉल्यूम इक्वल दी गई हो और वहां पे पीएच में डिफरेंस एक यूनिट का हो, ठीक है, तो देखिए टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट पीएच बाय, देखिए यहां पे लिखते हैं टू सॉल्यूशन, अगर आपके पास दो सॉल्यूशन गिवन हो, टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंस इन पीएच बाय वन यूनिट, हैविंग डिफरेंस इन पीएच बाय वन यूनिट, अगर पीएच में डिफरेंस वन यूनिट का हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, और वॉल्यूम सेम होनी चाहिए एंड वॉल्यूम इज सेम, ठीक है, ये जब भी लगेगा जब आपकी वॉल्यूम सेम होगी, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, उनकी पीएच का डिफरेंस एक यूनिट का है और वहां पे वॉल्यूम सेम है, टू, हाँ ठीक है, सही है, ओके सूर्या, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, सही है आपका बिल्कुल, ठीक है, तो ये बात होगी। तो अब आपको ऐसे केस में इसके लिए जो जर्नलाइज्ड फार्मूला वो क्या होता है कि जो आपकी फाइनल पीएच हो जाएगी ना, आपका फाइनल पीएच जो लोवेस्ट पीएच है, कौन सी, उन दोनों में से जो पीएच लोवेस्ट है उसमें आप ऐड कर देना 0.25, ये आपकी ट्रिक होती है, उसमें आप इतना ऐड कर देना, ये ट्रिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन है भाई, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक की पीएच 3 है एंड एक की पीएच 4 है, ठीक है, यहां पे वॉल्यूम कैसी है भाई, वॉल्यूम सेम है दोनों की, तो बताओ फाइनल पीएच क्या होगी, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, वॉल्यूम सेम है तो फाइनल पीएच आपसे पूछी है कि पीएच फाइनल यहां पे क्या हो जाएगी, तो देखो बड़ा आसान है, डिफरेंस कितने का है, एक यूनिट का, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्या करेंगे, जो लोएस्ट पीएच है, अगर मुझे यहां पे पीएच चाहिए फाइनल वाली,
तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो लोवेस्ट पीएच है कितनी है, तीन, तीन में कितना ऐड कर देना, 0.25 ऐड कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.25। ये ट्रिक है, ये आपका एक जर्नलाइज्ड फॉर्मूला है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे मैं एक दो चीजें और बताने जा रहा हूं इसी टाइप की, ठीक है ना, इसी टाइप की एक दो चीजें और बताने जा रहा हूं। तो उसमें मान लो भाई चार और पांच हो, है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो पीएच है, अगर वो आपका पीएच यहाँ पे जो पीएच आपको नजर आ रही है यहाँ पे, दो पीएच एंड पीएच कितने गिवन है, एक चार गिवन और एक पांच गिवन है, वॉल्यूम वॉल्यूम सब सेम है यहाँ पे जो भी कंडीशन है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4.25। कितना आ जाएगा, 4.25, 0.25 ऐड कर देंगे बस, क्या कर देंगे, 0.25। अब देखना आगे और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट, इसी टाइप का और कैसे क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 2 एंड pH इज इक्वल टू 4। अब दो का डिफरेंस आ गया, देन आपको कैलकुलेट करनी है फाइनल pH। अगर आप फार्मूले से जाओगे भाई, पहले तो फार्मूले से निकालना सीख लेते हैं, और फिर इसके लिए भी ट्रिक है हमारे पास। अगर आपको चाहिए कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की फाइनल वाली, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, देखो ये 10^-2 बनेगा, ठीक है, 10^-2 इंटू में भी ये क्या बन जाएगा, 10^-4 इंटू में भी, और नीचे कितना आ जाएगा, 2V। जब आप यहां से सोल्व करेंगे इसे फाइनली, जब आप इसे यहां से फाइनली सोल्व करेंगे, तो यहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आएगी और जो pH आएगी ना वो 2.3 आ जाएगी, कितनी, 2.3 आ जाएगी। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर आपके पास दो इक्वल वॉल्यूम गिवन के दो डिफरेंट पीएच हो और वहां पे डिफरेंस अगर 2 यूनिट का आ जाए, जैसे देखना भाई एक आपसे बोला कि पीएच 3 है एंड एक आपसे बोला कि पीएच 5 है, तो बताओ फाइनल पीएच क्या होगी, फाइनल पीएच क्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू, जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसमें 0.3 ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 3.3। कितनी हो जाएगी, 3.3। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो भाई पीएच आपका 4 है एंड पीएच आपका 6 है, आपको चाहिए फाइनल पीएच, तो क्या करना, जो लोएस्ट वाली वैल्यू है वो यहां पे आपको 0.3 ऐड कर देना है। अगर 2 यूनिट का डिफरेंस हो तो 0.3, 1 यूनिट का डिफरेंस हो तो 0.25, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब ऐसा हो जाए कि अगर आपके पास तीन डिफरेंट पीएच गिवन हो, तीन डिफरेंट सॉल्यूशन हो जिनकी पीएच अलग अलग गिवन हो, तो कैसे करेंगे भाई, मान लो एक आपके पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 2 है, एक आपके पास जिसकी पीएच 4 है एंड एक आपके पास ऐसा जिसकी पीएच 6 है, हैविंग इक्वल वॉल्यूम, हैविंग इक्वल वॉल्यूम, इनको डाल दिया भाई किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो आपको बताना कि फाइनल पीएच क्या होगी। तो भाई देखो, अगर हम चले अपने मेथड से, यानी कि अपना जो लॉन्ग मेथड है यानी कि फॉर्मूला वाला, तो कैसे करेंगे, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10^-2 इंटू में वी, 10^-4 इंटू में वी, प्लस में 10^-6 इंटू में वी, और इसको डिवाइड कर देंगे 3V से, इसको डिवाइड कर देंगे 3V से, और जब आप यहां पे पीएच निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0.2.48। इसका मतलब अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम पे तीन पीएच गिवन हो और उन तीनों के बीच में डिफरेंस आ जाए 2 का, तो जो आप यहां पे क्या करेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसमें 0.48 ऐड कर देंगे। जैसे देखना 3, 5 और 7 आपको डिफरेंट पीएच गिवन है इक्वल वॉल्यूम पे, तो इसकी फाइनल पीएच बताओ, कैसे बताएंगे, जो लोएस्ट वैल्यू होगी यानी कि जो 3 होगा उसमें ऐड कर देंगे 0.48, उसमें क्या कर देंगे, 0.48 ऐड कर देंगे। अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं, कमेंट करके बोलेंगे यस या नो, जल्दी से बोलो भाई ये चीज समझ में आ गई कि भाई अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो, तो सबसे पहले जो मिक्सर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे पीएच निकालने की शुरुआत की थी वो जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला था, जब आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को एक्वस पानी में डाल रहे थे तो पीएच निकालना सीखा। सेकंड हमने सीखा कि हम अब मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाल रहे हैं, मिक्सचर डाल रहे हैं, वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई हमारा तीसरा केस, क्योंकि बहुत सारे केस और सारे पढ़ने हैं एंड तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो सारा रूल है ना वो इस तीसरे के ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा भाई तीसरा कौन सा केस आ गया हमारा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। अब आपको क्या करनी है, पीएच निकालनी है, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड।
अब आपने क्या किया है, जो आपके पास था, अब जो मान लो आपके पास पानी था उसमें आपने कोई वीक एसिड डाला है, ठीक है, यहाँ पे वीक एसिड HA डाला है, तो बताना है कि पीएच कैसे चेंज होगी, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है काफी डिटेल में। अब वीक एसिड है ना भाई, आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि वीक एसिड है तो उसका जो अल्फा होगा ना वो अननोन होगा, हमें यह नहीं पता कि वो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। काफी बार तो हम यही क्वेश्चन निकालते हैं कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अब वीक एसिड है ये तो पक्का पता है कि वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, अरे वो 5% डिसोसिएट हुआ है, वो 20% डिसोसिएट हुआ है, वो 30% डिसोसिएट हुआ है, वो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है वही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहां पे भाई अगर वो वीक एसिड है तो इसकी अल्फा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से काफी कम होती है, इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि काफी कम होती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए भाई क्या क्या पैरामीटर्स गिवन हो सकते हैं, जो ये वीक एसिड होगा इसके क्या क्या पैरामीटर होंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, जो पैरामीटर की अगर आप बात करोगे कि क्या क्या डाटा आपको गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, क्या क्या पैरामीटर, सबसे पहले यहां पे आपको कंसंट्रेशन गिवन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड, जैसे ऐसा बोला जाएगा कि हमने 10^-2 मोलार HA एसिड को डाला है, यानी कि कोई ना कोई कंसंट्रेशन देगा आपको, सी कंसंट्रेशन देगा, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। और दूसरा और जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपका वीक एसिड है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka डिफाइन नहीं होता, अब ये Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो यहां पे वीक एसिड है ना भाई तो उसका एक कांस्टेंट भी होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे, जो कि आपका Ka होता है, क्या होता है भाई आपका Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। हमेशा वीक एसिड के लिए आपको Ka गिवन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए कभी गिवन नहीं मिलता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में जो आपका इक्विलिब्रियम है वो एस्टेब्लिश ही नहीं होता है, वीक में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, इसीलिए वहां पे हम Ka के बारे में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको Ka की वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब जो हम यहां पे एसिड ले रहे हैं भाई वो मोनोबेसिक ले रहे हैं, ठीक है, जो अब हम यहां पे एसिड ले रहे हैं वो मोनोबेसिक ले रहे हैं, तो देखो मोनोबेसिक यहां पे बात करेंगे आपका मोनोबेसिक वीक एसिड, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब एक ही प्रोटॉन को निकालेगा, एंड वीक एसिड होगा यानी कि इस टाइप का HA टाइप का कोई रहेगा, वो एच टाइप, हम पॉलीबेसिक की भी बात करेंगे या पॉलीप्रोटिक की भी बात करेंगे तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। देखिए भाई अब आपको पता है कि अगर आपका ये HA एक्वस में जाएगा, HA है तो ये आपका ब्रेक होगा यहां पे किस में, इसके पर्टिकुलर आयंस में, एक तो H पॉजिटिव एक्वस में ब्रेक हो जाएगा, एंड दूसरा जो यहां पे होने वाला वो A नेगेटिव एक्वस में ब्रेक होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब हमें ये पता है अगर बात की जाए T = 0 पे, इनिशियली इसकी कोई ना कोई सी कंसंट्रेशन आपको देगा कि हमने इतनी कंसंट्रेशन ली है, यहां पे 0 यहां पे 0, अब T = T इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका C - C अल्फा, यानी कि जो C था उसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो गया, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे क्या हो जाएगा C अल्फा एंड यहां पे क्या हो जाएगा C अल्फा। तो सबसे पहली बात यहां से अगर बात की जाए कि Ka क्या हुआ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हुआ, तो आप कहेंगे C अल्फा इनटू में C अल्फा एंड यहां पे क्या कहेंगे C - C अल्फा, ठीक है ना। तो अगर यहां पे बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका देखो C का स्क्वायर इनटू में अल्फा का स्क्वायर, और यहां से हम C को बाहर निकाल लेंगे 1 - अल्फा, इस C से ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा भाई आपका C * अल्फा, सी तो हाँ सी बचेगा ऊपर, C * अल्फा स्क्वायर - 1 - अल्फा, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैंने आपको एक बात ये बताई थी, अगर आपका अल्फा की वैल्यू 10% यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, less than 1 लेते हैं या नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1 ले सकते हैं, अगर आपका डिसोसिएशन 10% अल्फा की वैल्यू अगर आपका 0.1 से कम हो, 0.1 से कम हो या फिर 10% डिसोसिएशन हुआ हो, है ना 10% डिसोसिएशन, तो वहां पे हम 1 - अल्फा को नियर अबाउट 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको बताई गई ऑलरेडी। तो अगर ऐसा है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो आपका Ka हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, Ka वो हो जाएगा आपका C * अल्फा स्क्वायर,
क्या हो जाएगा, c इंटू में अल्फा स्क्वायर। ओके समझ में आ रही है बात। और यहां से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई, आपका के ए बाई सी, के ए बाई सी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपकी कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, समझ में आया। अब हमें यह भी पता है यहां से, अब इसी में अगर यहां पे बात करें कि मेरा जो एच ए आया ना, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, वो किसके इक्वल आई है, आप कहोगे सी इंटू अल्फा के इक्वल आई है। कहां से, यहां पे देख लो भाई, एच पॉजिटिव इज इक्वल टू सी अल्फा। और कमेंट कर देना भाई ना समझ में आए तो, कोई चीज बताना पड़ेगा आपको कि समझ में आ रहा है सर, क्योंकि ये थोड़ा सा देखो वीक एसिड का कंसेप्ट आ गया है। अब इक्विलिब्रियम में घुसते जा रहे हैं डिटेल में हम, ठीक है, आयोनिक की ये पहचान है। अब यहाँ पे अगर मैं अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर तो क्या आ जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे भी सी इंटू में आप क्या करेंगे, के ए बाई में सी। और जब यहां से आप इसको देखेंगे तो यहां से आपका कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव किसके इक्वल आ चुकी होगी, आपका अंडर रूट के ए इंटू सी, अंडर रूट के ए इंटू सी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका यूज किया जाएगा यहां पे, इसका यूज करेंगे हम कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमें तो पीएच निकालना है। और पीएच कैसे निकालेंगे, अगर आपको पता होगी कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गई, के ए इंटू सी। कहां से आई, जब आप इसको अंदर घुसाएंगे तो ये सी का स्क्वायर बनेगा, नीचे सी है, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा। इसको और भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो देखो दोनों साइड लोग ले लीजिए, है ना, दोनों साइड लोग लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लो चाहे टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले लो इसका, लॉग लोगे तो क्या बन गया, ये आपका लॉग एच पॉजिटिव बन जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, ये 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं लॉग के ए, एंड यहां पे प्लस में आप क्या लिख सकते हैं, लॉग सी, ठीक है। अब माइनस कर दो भाई, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, तो ओवरऑल ये माइनस हो जाएगा। तो देखो अगर ये पूरा माइनस होगा तो ये क्या बन गया जी, मेरा पीएच, ये क्या बन गया, पीएच इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका 1/2, है ना। अगर मैं माइनस अंदर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, माइनस लॉग के ए, इसी को हम पी के ए बोलते हैं, इसी को हम पी के ए बोलते हैं, एंड ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस में लॉग सी, माइनस में लॉग सी। तो ये देखो जी आपका, तो पीएच निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हो गया वीक एसिड के लिए ये वाला। तो ये वाला याद रख लेना, है ना, या तो ये याद रख लेना या इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझ में आ रही है ना बात, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी कि ये हमने कैसे किया। एक बार मैं पूरा कंसेप्ट दोबारा से बता देता हूं। देखिए भाई, आपके पास एक कोई मोनोबेसिक वीक एसिड है, वो एच ए है, तो वीक एसिड है तो उसका कोई इनिशियली उसकी कोई कंसंट्रेशन सी है। जब आपने उसको ब्रेक किया, जब उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो सी माइनस सी अल्फा कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हुई होगी। तो यहां से हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पे एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन आएगी वो इक्वल होगी अंडर रूट के ए इंटू में सी। के ए का मतलब यहाँ पे है एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, एंड सी का मतलब यहाँ पे आपका है कंसंट्रेशन से। सी का मतलब किससे है यहाँ पे, कंसंट्रेशन से। अब अगर आप दोनों साइड लोग लेंगे कि आप चाहते हैं कि हम तो सीधा फाइनल पीके में ही कन्वर्ट कर दें, मतलब पीएच में कन्वर्ट कर दें, तो पीएच किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 पीके ए माइनस में लॉग सी। तो दिस इज योर फाइनल फार्मूला फॉर जब आप किसी वीक एसिड का आप चाहते हैं कि उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जिसके ऊपर। तो देखो आपसे बोला गया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है आपको, ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है आपको, पी एच फाइंड आउट करना है, एंड आपको पी ओ एच भी फाइंड आउट करना है, एंड आपको के ए भी फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे डाटा दिया है, क्वेश्चन दिया, वो कैसा कि 10^-3 मोलार एच ए सोल्यूशन, एच ए सोल्यूशन हैविंग 20% डिसोसिएशन, हैविंग 20% डिसोसिएशन। अब देखो भाई आप कैसे समझोगे इसको कि सर ये वीक का क्वेश्चन है, कि सर ये वीक का क्वेश्चन है या स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन है, हमें कैसे पता लगेगा। अरे देखो, अगर यहाँ पे एग्जामिनर लिख रहा है कि 20% डिसोसिएशन, इसका मतलब वो वीक एसिड ही है।
अगर वो ये बात डायरेक्ट नहीं बोल रहा है तो आपको बता हिंट दे रहा ना कि वो भाई उसका 100% डिसोसिएशन नहीं है। अगर 100% डिसोसिएशन होता तो वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ठीक है, बट यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। समझ में आ रही है ना बात ये आपको? ठीक है जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे? हमें चाहिए एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अभी अभी जस्ट आपको फार्मूला पढ़ाया मैंने, यहाँ पे आंसर देख लीजिए कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आएगी वो किसके इक्वल होती है। एक तो तरीका ये है कि आप यहां से लिखें के ए इंटू में सी, ठीक है, लेकिन आपको के ए तो दिया ही नहीं है। चलो जी ये फार्मूला फिर हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक फार्मूला ये भी तो दिया ना कि कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इंटू में सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% का मतलब है इसको डिवाइड कर दो इससे। जब आप देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.2 आ गई। कंसंट्रेशन आपको गिवन है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2 की पावर 10 की पावर -4, ठीक है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, ओके। और यही कंसंट्रेशन आपका ए नेगेटिव की भी रहेगी, क्योंकि वो भी आपका सी अल्फा के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। अब अगर पीएच निकालनी तो पीएच निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। 4 आगे लिखा, माइनस में log 2 0.3 होता है ना, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3.7 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल, 3.7। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल ली, pH निकाल ली। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं भाई यहाँ पे, तो देखिए हमें पता कि जो OH नेगेटिव है वो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव वो हो जाएगा 10 की पावर -14, और इसको डिवाइड कर देंगे इससे, क्योंकि दोनों की जो कंसंट्रेशन वो KW के इक्वल होती है, पढ़ाया सब कुछ आपको, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻¹। और जब आप यहाँ से POH निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, 14 में से माइनस कर दो इसको, तो वो आ जाएगी आपका 10.3 के इक्वल। वो किसके इक्वल आ जाएगी, 10.3। तो आपसे बोला था कि pH निकालो, आपसे बोला था एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालो, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड pH निकालो, POH। के ए कैसे निकलेगा जी, तो बिल्कुल आसान है भाई के ए निकालना। तो के ए अगर बात करें यहां पे कि के ए किसके इक्वल होगा, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, यहां पे 20% डिसोसिएशन है। तो अब यहां पे हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि सी इंटू में अल्फा का स्क्वायर एंड यहां पे हो जाएगा 1 - अल्फा, ठीक है। अब यहां पे 1 - अल्फा कैंसल आउट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे डिसोसिएशन जो हुआ है, अल्फा की जो वैल्यू गिवन है वो 10% से ज्यादा है। अगर 10% से ज्यादा तो फिर कैंसल आउट नहीं करते। सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 10 की पावर -3 है, अल्फा की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर कर देंगे एंड यहां पे 1 - 0.2 कर देंगे। जब आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहां से के ए की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10⁵। क्या जाएगी, 5 × 10⁵। बोलिए भाई समझ में आया क्या, समझ में आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन? कमेंट करेंगे सारे बच्चे, जब तक कमेंट नहीं करेंगे आगे नहीं चलेंगे भाई। तो हम क्या है कि अब देखो, वीक एसिड का सॉल्यूशन, आपने किसी एच ए एसिड का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, उसका आप निकालना चाह रहे हैं, उसका पीएच निकालना चाह रहे हैं, ये सब निकालना चाह रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने होते हैं मेजरली यहाँ पे हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा सारे बच्चे, खुद से आंसर बताइएगा। आपको बोला गया है कि 10⁻²⁰ एच ए सॉल्यूशन ना, एच ए सॉल्यूशन having 0.01% dissociation। अब है ना जो dissociation हुआ ना आपका, वो 0.01% हुआ है, जो आपका dissociation हुआ है वो 0.01% हुआ है। देखो जी, आओ वही सारा चीजें निकालनी है, सेम pH, POH सब कुछ वही निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है concentration। कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, 10⁻²⁰ के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये तो 0.01% है, अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो वो 10⁻⁴ हो जाएगी। किसी को भी कोई समझ में ना आए, जब भी पूछे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालें, किसके इक्वल हो जाएगी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, सी अल्फा। किसके इक्वल, सी अल्फा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 10⁻⁶। अगर ये 10⁻⁶ तो पीएच कितनी, 6। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, तो वो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁴ इंटू में 10⁻⁶, यानी कि वो कितनी हो जाएगी, 10⁸। POH कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
ठीक है जी। अगर आपको चाहिए यहां पे के ए की वैल्यू, अब मैं लिख सकता हूं यहां पे सी अल्फा स्क्वायर। अब मैं यहां पे नीचे 1 माइनस अल्फा नहीं लिखूंगा। उसका रीजन क्या है यहां पे, क्यों नहीं लिखा मैंने ऐसा यहां पे, उसका रीजन ये है कि यहां पे जो आपको अल्फा नजर आ रहा ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपको नजर आ रहा ना, वो 10% से कम है, तो उस टाइम पे हम निगलेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस अल्फा को। तो कंसंट्रेशन 10^-2, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10^8। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 10^-10 इज द वैल्यू ऑफ के ए, एंड के ए इज डिफाइंड ओनली फॉर वीक एसिड। समझ में आया, समझ में आया ना? आसान है बिल्कुल, बहुत ही आसान चीजें हैं, बस आपका कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप गलतियां नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए बोला गया आपको कि 60 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है ना, देखो एसिटिक एसिड तो वैसे वीक एसिड होता ही हमें पता है, 60 मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग 10% डिसोसिएशन, हैविंग 10% डिसोसिएशन इन 10 लीटर ऑफ वाटर, इन 10 लीटर, इन 10 लीटर ऑफ वाटर। अब बताओ इसका पीएच बताओ, पीओएच बताओ, सारी चीजें बतानी है सेम वही। तो अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे, अब आपको एग्जामिनर ने डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं दी है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, नहीं दी तो भाई क्या बात होगी। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल्स कैसे निकालेंगे, ये 60 गिवन है, लेकिन ये मिलीग्राम में हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो कोक तो 10^-3, एंड एसिटिक एसिड का मोलार मास कितना होता है 60, तो ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में अगर लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 60 से 60 कैंसिल, तो यहां पे जो कंसंट्रेशन आ गई वो आपका 10^-4 आ गई, एंड अल्फा कितना हो जाएगा 10% का मतलब क्या होता है 0.1। सबसे पहले H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं जी, किसके कॉल होती है C इंटू अल्फा, कितना आ जाएगा 10^-5, एंड 10^-5 का मतलब pH हो जाएगी 5। ओके समझ में आया ना स्टूडेंट्स, वेरी गुड। उसके बाद अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो डायरेक्ट हो जाएगी 10^-9, एंड जो POH हो जाएगा वो हो जाएगा 9। अगर के ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो सी इंटू अल्फा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो 10% है, तो इसलिए 1 माइनस अल्फा को निगलेक्ट कर देंगे। कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 10^-4, अल्फा का यानी कि 10^-1 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 10^-6। यस ओके स्टूडेंट्स, अरे समझ में आ गया ना, ठीक है। अब दूसरे वे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा वे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है ना एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है, ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन, यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करना है, एंड यहाँ पे आपको पीओएच भी कैलकुलेट करना है। तो इनमें कैसे डिस्कस किया जाता है देखना, यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है कि 0.1 मोलार एच ए, एंड यहाँ पे आपको के ए की वैल्यू दे दी है। समझ जाना कि के ए की वैल्यू दिए तो वीक एसिड रहा होगा, बस निकाल लेंगे आराम से। क्या निकालना है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है ना। अरे क्या फार्मूला पढ़ाया था आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव जो इक्वल होती है अंडर रूट के ए इंटू सी। तो यहाँ पे अंडर रूट और के ए की वैल्यू हो जाएगी 10^-5 इंटू में ये हो जाएगी 10^-1, यानी कि ये कितना हो गया 10^-3। अगर ये 10^-3 तो हमारी पीएच किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। अगर ये एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10^-3 है तो हमारा जो ओ एच नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी 10^-11, एंड जो पीएच हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी 11 के इक्वल हो जाएगी। ओके समझ में आ गया स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप निकालेंगे मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी निकालें, क्या है, सेम चीजें निकालनी है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन, पीएच, पीओएच, सब कुछ। क्या बोला है कि 0.01 मोलार एच ए, और इसके लिए के ए ना देके आपको पी के ए की वैल्यू दे दी है, कितनी है 8 है भाई, कितनी है यहाँ पे 8 है। फटाफट से निकालिए, फटाफट से निकालो, क्या क्या होगा फटाफट से निकालेंगे।
तो भाई देखो सीधा सा फॉर्मूला बताया था इसके लिए भी मैंने। वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पी के ए को के ए में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक सीधा फार्मूला बता दिया था। अगर आपको चाहिए एच पॉजिटिव की कंसनट्रेट, पी एच के लिए बता दिया था डायरेक्ट, अगर पी एच निकल जाएगी वो तो आसानी से निकाल लेंगे। तो पी एच किसके को लाई थी, यहाँ से याद करो, 1/2 पी के ए माइनस में लोग सी, याद होना चाहिए ये वाला फार्मूला आपको, बताया था। तो पी एच निकालना है 1/2, ये 8 हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर माइनस दिस, तो वो हो जाएगी ऐड, यानी कि ये जो बनेगा बेसिकली 5 आ जाएगी। अगर आपकी पीएच 5 आ गई तो कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगी एच पॉजिटिव की। समझ में आना, कर लोगे? अब देखना भाई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता एग्जामिनर, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे सोल्व नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, ये फिर से ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है भाई। फिर से देखो इसके ऊपर मैंने क्या कहा था, बड़ी बड़ी आंखें है ना, बड़ी बड़ी आंखें करेंगे इसके ऊपर। तो चलो देखना ध्यान से क्या है। अब आपसे बोला है कि pH of 10 की पावर माइनस 1 मोलार HCl सॉल्यूशन, HCN की बात की गई है, ठीक है HCN। अब आपके लिए बोला है कि यहाँ पे A1, B जो बोला है वो लेस देन 1 होगा, C जो बोला है वो ग्रेटर देन 1 होगा, एंड डी जो बोला है वो नन ऑफ दीज। बताओ इसका आंसर। एक क्वेश्चन ये बताएंगे, जब तक आप इसको बताओ, एंड एक और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ पे। वो क्या आ जाएगा भाई आपका, वो आ जाएगा यहाँ पे आपको बताना है कि pH of 10 की पावर माइनस 1 मोलार HCl सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपसे बोला गया कि 1, उसके बाद बोला गया लेस देन 1, उसके बाद बोला गया ग्रेटर देन 1, एंड डी बोला गया है नन ऑफ दीज। बताओ जल्दी से कमेंट करो क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो भाई अब है ना, आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि HCN जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आता है, ठीक है। HCN जो होता है वो वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। अगर ये आपका वीक एसिड है तो इसका जो अल्फा रहा होगा वो 100% नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इसका अल्फा अगर 100% नहीं रहेगा तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी ना वो एक्चुअल जो 10 की पावर माइनस 1 है ना उससे थोड़ी सी कम रही होगी, उससे थोड़ी सी कम, क्योंकि 100% इसका डिसोसिएशन होगा नहीं। अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन कम, अगर कंसंट्रेशन कम तो पीएच की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन एंड पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। इसका मतलब जो इसकी पीएच की वैल्यू आपको लगा होगा बहुत सारे बच्चों को कि 1 आनी चाहिए थी, बट 1 ना आके वो ग्रेटर देन 1 आती है, उसके पीछे का रीजन होता है कि जो आपका HCN होता है ना वो आपका वीक एसिड होता है और उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% नहीं रहेगा। अगर 100% नहीं रहेगा तो वहां पे आपको पूरे के पूरे 10 की पावर माइनस 1 मोलार एच पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, आपको कुछ कम मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ कम मिलेंगे, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अगर वो कंसंट्रेशन कम हो गई तो फिर पीएच इंक्रीज कर जाएगी। ये इसका थोड़ा सा कनेक्शन था। अगर इसकी बात करोगे कि पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 1 मोलार HCl, इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि HCl जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके लिए आपकी एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर माइनस 1 के इक्वल ही आएगी, ये वो लेस देन नहीं आने वाली, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इस वजह से, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन भी मैं अगर यहाँ पे दूं और इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप वाले को, कि pH of a solution ऑफ HCN, HCN का सोल्यूशन है having concentration of CN negative, is 10 की पावर माइनस 3 मोलार, ए ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 3, बी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ग्रेटर लेस देन 3, सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आपका ये वाला, एंड समझ जाना भाई इनकी डेफिनेशन क्या है ये, ठीक है, एंड डी है कि नन ऑफ दीज। अब बताओ भाई इसको, अब देखिए जब अगर वो लिख दे कि यहाँ पे CN नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी है तो कंफर्म होगा फिर
इसका जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन सी एन नेगेटिव की रही होगी वही कंसंट्रेशन आपका एच पॉजिटिव की भी रही होगी। अब ये ना एच सी एन के लिए नहीं बोली, इन्होंने कहा कि सी एन नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी है, अगर सी एन नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी तो वो एच पॉजिटिव की भी उतनी रही होगी। एंड यहाँ पे जो आपका 10^-3 आ जाएगा इक्वल, तो यहाँ पे जो पी एच आएगा वो बिल्कुल 3 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जो पीएच आएगा वो बिल्कुल सही है कि वो 3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना, पढ़ाया था, और वहां पे क्या बताया था कि डाइल्यूशन करने से आपका पीएच इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बताओ भाई। तो मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूशन पे जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, जैसे जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कर देते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम फंडा यहाँ पे देखिए डाइल्यूशन को, सर वो एचसीएन वाला एक बार रिपीट करो ना, यस बिल्कुल रिपीट करते हैं। देखिए ऊपर ऊपर ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि हम पीएच निकालनी है, आपके पास एक क्या है एचसीएन है, पूरा एचसीएन है, ठीक है। अब देखो ये यहां से समझना, मैं अच्छे से समझाता हूं राहुल आपको आराम से बिल्कुल, जो ये एचसीएन है ना, ये जो एचसीएन है ये किस में ब्रेक होगा भाई? अब आप सभी को पता है कि एचसीएन वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, तो ये आपका ब्रेक होगा आपका इसके अंदर एंड प्लस में सीएन नेगेटिव के अंदर। अब आपको क्या है कि इसकी जो वॉल्यूम गिवन है, इसकी जो कंसंट्रेशन वो कितनी गिवन है, 0.1, 10^-1 का मतलब तो 0.1 गिवन है, ये भी इतना नहीं होगा, ये भी इतना नहीं होगा, और T इज इक्वल टू 0। अब जब मैं बात करूंगा T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.1, एंड यहां पे क्या लिखेंगे 0.1-α। कहने का मतलब ये है कि यहां पे आपको जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो सी अल्फा है ना, यानी कि आपको जितना कंसंट्रेशन आपको HCN का गिवन है ना, अगर ये वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो यहां पे जो आपको कंसंट्रेशन मिलेगी वो अल्फा, और आप सभी को पता है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है ना वो आपका 0 से 1 के बीच में आएगी है ना, यानी कि समथिंग डेसिमल में आएगी। तो इसकी वैल्यू जो HCN की यहां पे मिलेगी ना आपको, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव जो आपको मिलेगी ना वो आपको इस 0.1 से कम मिलेगी, ये कन्फर्म है 0.1 से कम मिलेगी, क्योंकि 100% देखो 0.1 जब मिल जाती जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, स्ट्रॉन्ग एसिड होता, फिर तो पूरी की पूरी 0.1 मिलता, अब आपको पूरा का पूरा 0.1 नहीं मिलेगा, आपको यहां पे जो कंसंट्रेशन मिलेगी ना वो आपका 0.1 से कम मिलेगी है ना, वो क्या मिलेगी, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव 0.1 से कम होगी। अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो पीएच ज्यादा होगी, और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि जो पीएच आएगी ना, देखने से तो यही लग रहा है कि 10^-1 है तो 1 आंसर लगा दे पीएच, क्योंकि 10^-x जो होता है, x ही तो हमारा पीएच है, बट यहां पे आपका ग्रेटर देन 1 आई है। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल आराम से रीजन समझ में आ गया होगा। अब यहां पे क्या था, HCl है, अब जितना HCl लोगे ना उतना ही आपको यहाँ पे 10^-1 ही आपको H पॉजिटिव मिलेंगे एंड 10^-1 ही आपको Cl नेगेटिव मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया है। अब कहोगे सर यहाँ पे, अब एग्जामिनर ने खुद बोल दिया है कि यहाँ पे Cn नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है ना वो 10^-3 है, तो जो कंसंट्रेशन इसकी है वही कंसंट्रेशन इसकी आ जाएगी। अब H पॉजिटिव की मुझे कंसंट्रेशन मिल गई है, तो इसलिए मैंने इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वहां पे 3 लगाया है। अब बताओ राहुल, राहुल समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, फिर आगे भी डिस्कस करने बहुत सारे क्वेश्चन। अब डाइल्यूशन पे चलना अपने को, ठीक है ना, डाइल्यूशन पे चलना अपने को भाई, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं भाई कोई और अच्छे क्वेश्चन, कुछ डाइल्यूशन से रिलेटेड है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है कि 0.1 मोलार एसिटिक एसिड जिसके अल्फा की वैल्यू आपको 1% गिवन है, यानी कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1% है। ऑन डाइल्यूशन, जब आपने उसका डाइल्यूशन किया, ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बाई 100 टाइम्स लिख लेते हैं, 100 टाइम्स जब आपने उसका डाइल्यूशन किया, व्हाट विल बी द अल्फा नाउ, अब अल्फा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर है जिसमें 0.1 एसिटिक एसिड आपको गिवन है। अब इन्होंने कहा कि इस एसिटिक एसिड का अल्फा जो है ना आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 1% है स्टार्टिंग में,
स्टार्टिंग की बात चल रही है। अब इन्होंने क्या कहा कि इसको हमने 100 times डाइल्यूटेड कर दिया है। 100 times डाइल्यूटेड का मतलब इसमें हमने बाहर से उठा के पानी डाल दिया है। अगर पहले आपकी वी वॉल्यूम थी तो अब हमने 100 V वॉल्यूम डाल दी इसके अंदर। अच्छा जी, अब बताओ कि ये जो नया अल्फा मिलेगा ना वो कितना होगा, अल्फा फाइनल कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलो जी करते हैं ट्राई। अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए भाई, अल्फा का फॉर्मूला क्या है कि के ए इज इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर, वही तो चाहिए होता है ना। देखो अब अगर बात करें यहां पे, देखो सबसे पहले हम यहां पे अप्लाई करेंगे आपका m1v1 = m2v2 डाइल्यूशन फॉर्मूला। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी थी 0.1, वॉल्यूम कितनी थी v थी, ठीक है मान लेते हैं कि v थी, हमें नहीं पता कितनी थी। अब कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी वो निकालनी है। अब वॉल्यूम कितनी कर दी आपने, आपने कितनी कर दी 100 times कर दिया, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहां से जो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 10^-3। पहले तो मुझे ये बात बताओ क्या ये आपको समझ में आया नहीं, आ गया होगा भाई बिल्कुल। अब देखो अगर अलग अलग के लिए बात करें है ना, तो हमें यहाँ पे जो के ए होता है ना हमारा वो कॉन्स्टेंट होता है भाई, के ए की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए फिक्स होती, वो चेंज नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा के ए आएगा वो इक्वल रहा होगा चाहे सी इंटू में अल्फा वन का स्क्वायर रहा हो, है ना। देखो ये रहा, इसमें अल्फा वन लिख दिया मैंने, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, देखो के ए किसके इक्वल होता है सी अल्फा का स्क्वायर। तो ये मैंने कह दिया इनिशियल जो रहा होगा एंड फाइनल जो रहा होगा उसी के इक्वल तो आएगा भाई, उसी के इक्वल तो आएगा, के ए तो सेम ही होता है दोनों केस में। तो देखो यहां से सी की वैल्यू कितनी थी इनिशियल, ये अल्फा कितना था 1%, 1% का मतलब होता है 0.01, ठीक है, इनटू में इसका कर देंगे, इसमें मैंने मिस्टेक कर दी यार, ये इसमें मैंने जो मिस्टेक की वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी है। तो ये आ गया भाई आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सी अल्फा का स्क्वायर इनिशियल इक्वल होगा सी अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर होता पूरे का स्क्वायर होता फाइनल, तो इसका स्क्वायर क्या। इसी प्रकार इसकी कंसंट्रेशन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 10^-3 इंटू में अल्फा फाइनल वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो भाई सोल्व कर लेना फाइनली इसको, जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.1। अल्फा की वैल्यू 0.1 आने का मतलब समझते हो, पहले देखो परसेंटेज निकालो इसकी कितनी परसेंट आ जाएगी, यानी कि अल्फा जो आ जाएगा वो 10% आ जाएगा, कितना 10%। एक बात मुझे बताइए भाई सारे स्टूडेंट्स, इसको हम वैसे कंसेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते थे, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना होता तो कंसेप्चुअली बिल्कुल आराम से कर देते, लेकिन देखिएगा देखिएगा अगर बात करें यहां पे, देखो अब हमें पता है कि अगर आपने डाइल्यूशन किया है तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा जो होता है वो 100% होता है, अगर इसका 1% है, मैंने क्या पढ़ाया था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। जब आपने डाइल्यूशन किया तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए और इंक्रीज हो भी रही है। अगर पहले आपके पास अल्फा 1% था ना, अब आपका जो अल्फा वो 10% हो चुका है, और जब अल्फा इंक्रीज करता है तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करती है, और एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो पीएच क्या करती है भाई आपका डिक्रीज, एक मिनट सॉरी, अल्फा इंक्रीज करेगा, अल्फा इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव डिक्रीज करती है, ठीक है ना, क्या करती है डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है, रुक जाओ इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है ना, इसको देख लेंगे भाई एक बार, इसको आप एक बार देखते हैं, इसमें किसी को एक बार इश्यू है तो बताओ कोई, ये अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार ये बताएं, उसके बाद मैं आगे सब कुछ पढ़ाने वाला हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर इसी में एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपसे बोला गया कि यहाँ पे 10^-2 मोलार एच ए जिसका के ए की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है भाई 10^-6, इसकी आपको पी के ए वैल्यू निकालनी है, इसकी आपको पी के इसके लिए क्या निकालना है, सॉरी पीएच निकालना है, तो ये तो निकाल लोगे आप, ये तो आप निकाल लोगे भाई, इसको कोई नहीं समझाते। अब वहां पे डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट दोबारा से पढ़ लेते हैं, हालांकि ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, अभी मैं दोबारा से पढ़ा देता हूं। ऑन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन, जब भी आप किसी सॉल्यूशन को, ऑन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, अगर आप किसी वीक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए भाई जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम इंक्रीज होती है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है,
कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से अल्फा बढ़ता है, अल्फा इंक्रीज करता है, अल्फा इंक्रीज करने से एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो पीएच इंक्रीज करती है, पीएच क्या करेगी इंक्रीज करेगी, अगर पीएच अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी एंड पीओएच आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, पीओएच क्या करेगा डिक्रीज। हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो पीएच प्लस में पीओएच होता है वो पीकेडब्ल्यू के इक्वल ही होगा, वो पीकेडब्ल्यू के इक्वल ही होगा, एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव होती है एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव होती है वो केडब्ल्यू के इक्वल ही होगी, वो कांस्टेंट के इक्वल ही होगी। तो देखिए ये कैसे बोल दिया जी हमने यहाँ से कि अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करने से एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है भाई, ये डिक्रीज करती है और जिसकी वजह से जब आपका अल्फा इंक्रीज करेगा जब भी तो वीक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होगा ना, जब भी तो वीक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होगा, तो डाइल्यूशन करने से ये सब चेंजेस आते हैं, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और अब भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि वीक एसिड की बात चल रही है यहां पर, किसकी बात चल रही थी, वीक एसिड की बात चल रही थी, यहां पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है भाई, और कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेगी ना तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, बस साफ साफ ये बात है यहां पे, ठीक है। चलिए तो हम तीन केस पढ़ चुके हैं अभी तक, सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तीसरा हमने पढ़ा मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक वीक एसिड। अब हम फोर्थ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, फोर्थ केस जो हमारा जिसका पीएच हमें निकालना है वो है आपका मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। देखिए अब नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, कि अब आपके पास अगर एक वीक एसिड हो एच ए हो कोई वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक मिनट डाउट आ गया आपको तो बिल्कुल दूर करेंगे, एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने एच ए वन ले लिया, अब क्या है सर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव डायरेक्टली नहीं है क्या? देखो अब पूरी बात दोबारा से देखनी पड़ेगी आपको, आप कह रहे हैं कि जो अल्फा है एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या? देखिए भाई यहां पे वीक का केस चल रहा है, यहां से हम चलते हैं इसके ऊपर, जो आपका यहां से सबसे पहले हमें देखना है कि इसका अल्फा अननोन होता है, ठीक है, तो इसके अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? देखो अब यहां से देखिए पहले तो आप इस बात को, यहां से देखिए, देखो यहां से जो आपका अल्फा है ना, अल्फा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो अगर आपकी कंसंट्रेशन क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, तो ये एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी तो डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन चेंज होती है, इस बात का ध्यान, डाइल्यूशन का मतलब है वॉल्यूम बढ़ाना, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो एच पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और अल्फा क्यों इंक्रीज करता है भाई, अल्फा क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है इसलिए अल्फा इंक्रीज करता है। अब आप कहोगे सर अल्फा इंक्रीज कर रहा है तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए ना, अरे अल्फा इंक्रीज ही इस वजह से करता है क्योंकि सी की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, समझ में आया क्या? अरे यहां से देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी या नहीं करेगी? करेगी, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो एच पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। बोलो राहुल बोलो समझ में आया क्या? राहुल बोलो समझ में आया क्या आपको? जल्दी से बोलो भाई, राहुल समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताओ, फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है भाई। अभी अब हम बात कर रहे हैं भाई मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड, अब आपके पास क्या होगा, एक वीक एसिड रहा होगा एंड एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहा होगा और उसकी आपको पीएच निकालनी होगी, ठीक है, तो मान लीजिए कि अब आपके पास एक कंटेनर रहेगा है ना, और उसके अंदर आपका क्या रहेगा, एक वीक एसिड रहेगा, ठीक है, एक आपका वीक एसिड रहेगा और वो कौन सा, अब वीक एसिड तो हो सकता है उसकी C1 कंसंट्रेशन गिवन हो और वीक एसिड तो उसके लिए KAB गिवन होता है, ठीक है, एंड दूसरा यहां पे आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन के अंदर ही स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी C2 कंसंट्रेशन गिवन होगी, बस
क्योंकि उसके लिए हम के ए डिफाइन नहीं करते स्ट्रोंग एसिड के लिए। तो इसमें क्या रहेगा, अगर हम बात करें यहाँ पे भाई देखना पर्टिकुलर कि अगर आपके पास एक वीक एसिड है तो वो कुछ किस प्रकार से ब्रेक हो रहा होगा, क्या रिएक्शन आपको यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे जो आपको रिएक्शन शो होगी कि आपके पास एच ए होगा एंड वो आपका डिसोसिएट हो जाएगा किस किस में, एच पॉजिटिव एक्वस में एंड आपका ए नेगेटिव में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल एच बी है भाई, यहाँ पे एच बी मान लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि क्या हो जाएगा एच बी है फॉर एग्जांपल, तो अब वो किस में ब्रेक होगा, वो भी एच पॉजिटिव एक्वस में ब्रेक होगा एंड वो आपका बी नेगेटिव में। तो एक तो बात ये समझ में आ जाती है कि यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, क्या लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एंड जिसकी वजह से आपका डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। पहली बात तो ये होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है कॉमन आयन इफेक्ट लगता है और कॉमन आयन इफेक्ट लगने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जिससे कि ए एच का डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है जी, ये बात तो। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो यहाँ पे मेजर फैक्टर कौन होगा, मेजर सोर्स कौन रहेगा एच पॉजिटिव का, ज्यादा एच पॉजिटिव कौन रिलीज कर रहा होगा, सीधी सी बात है स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है कि भाई मेजर सोर्स ऑफ एच पॉजिटिव, मेजर सोर्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन, मेजर सोर्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड, will be the strong acid, strong acid इसका major source रहता है, will be the strong acid, so pH will be decided by strong acid, so pH will be decided by only strong acid। अब यहाँ पे भाई अगर आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें वीक एसिड भी है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो वहां पे जो पीएच डिफाइन की जाएगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा डिफाइन की जाएगी, वीक से नहीं करेंगे, क्योंकि मेजर सोर्स जो है ना आपका वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका एच पॉजिटिव का इन दोनों में से। तो आओ जी इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको बोला गया कि कैलकुलेट करना है आपको कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ सी एल नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग एक सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या 0.1 molar HCl एंड 0.1 molar acetic acid 0.1 molar acetic acid और ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपको Ka की भी वैल्यू गिवन है भाई कि इस एसिटिक एसिड के लिए जो Ka है वो आपका 10^-5 है, ठीक है ना जी। अब देखो भाई बड़ा आसान है, क्या बोला था मैंने, अगर आपके पास एक वीक एसिड एंड एक देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड ये आपका वीक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड ये वीक एसिड है, तो यहाँ पे मेजर सोर्स कौन रहेगा एच पॉजिटिव का, एच सी एल, और जो कंसंट्रेशन एच सी एल की रहेगी उसी से पीएच निकाल देंगे, तो पीएच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे एच पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होगी वो ये एंड यहाँ से जो पीएच आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ओ एच नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 10^-13 एंड यहाँ पे जो पी ओ एच आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। अब बात यह आती है जी इस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालें, तो हमारे पास के ए का फार्मूला होता है, अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड एक्वस जो होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है एसिटेट आयन में एंड साथ के साथ एच पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर आपको के ए निकालना है तो आप के ए कैसे निकालेंगे, सॉरी के ए तो गिवन है, तो आप ऊपर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और नीचे आपको गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखो भाई आपको के ए की वैल्यू गिवन है, यस। आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है, यस। आपको एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता है, यस। तो यहां से हमारी क्या निकलाएगी भाई आपका कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, के ए कितना है 10^-5 ऊपर दिया हुआ देख लेना, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 10^-1 है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये रहा जी। अब यहाँ पे आपका इसको डिवाइड किससे कर देंगे 10^-1 से, क्योंकि एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपका ये है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन, ये क्या निकाला है हमने यहाँ से, यहाँ से हमने निकाला है
कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, तो कितनी आ गई, ये आ गई। ओके, अरे समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताएंगे भाई स्टूडेंट, समझ में आ गया क्या। उसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, मिस्टेक कर सकते हो इसमें आप। आपको करना है कैलकुलेट पीओएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.02 मोलार एचए, जो कि यहाँ पे के ए की वैल्यू जो आपको गिवन वो 10^-6 है, एंड 5×10^-2 मोलार H2SO4। बताओ जल्दी से बताना, थोड़ा सा ध्यान से जल्दी से बताएं इसका आंसर। इसके बाद फिर हमारा जो केस नंबर 5 है उसको भी डिस्कस करते हैं भाई, और फिर केस नंबर 6 है, केस नंबर 6 तो शायद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 वाला जरूर डिस्कस कर लेंगे भाई अभी, ठीक है। तो आज हमारा हो जाएगा ये लगभग कंप्लीट, जल्दी से बताओ। देखिए भाई बहुत आसान है, अब यहां पे देखो, ये तो आपका वीक एसिड है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बार बार मैं वही बता रहा हूं, यहां पे बच्चा लिखेगा कि पीएच क्या हो जाएगा 2, यहां पे लिखा है 2 माइनस में लॉग 5, जो भी ऐसा करेगा ना उसको होगा पाप पड़ेगा उसको, है ना, यानी कि पाप लगेगा उसको। क्यों, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि H2SO4 के केस के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्या करना होता है कि यहां पे जो आपकी कंसंट्रेशन आएगी ना H पॉजिटिव की, वो कितनी आ जाएगी आपका 5×10^-2, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों, क्योंकि ये 2H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, क्योंकि आपका 2H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, इसलिए जब देखेंगे तो ये आ जाएगी 10^-1, एंड यहां से जो पीएच आ जाएगी वो 1:13 आ जाएगी, ठीक है ना। अरे आया समझ में, यस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में हमने जो केस डिस्कस किए हैं वो तो एक तो हमने वीक एसिड का डिस्कस कर लिया भाई, अगर आपके पास वीक एसिड का कोई सॉल्यूशन हो तो उसकी पीएच कैसे निकालेंगे। फिर जो हमने केस डिस्कस किया भाई आपका, वो हमने डिस्कस किया कि एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड रहे एंड एक वीक एसिड रहे, वो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी थोड़ी सी देर बाद ही होगी भाई, वो होगा वीक एसिड प्लस में वीक एसिड का मिक्सचर, उनकी के उसमें हम पीएच कैसे निकालेंगे। और एक आपका जो लास्ट केस आ जाएगा वो एसिड के केस में, एक और लास्ट केस आएगा भाई 6, उसमें डिस्कस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, ठीक है। तो उसमें डिस्कस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, वो अभी थोड़ी सी देर में ही डिस्कस कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूं, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूं, इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले अगर आप कहोगे जी कौन कौन से केस डिस्कस कर चुके हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का डिस्कस किया था, एंड एक हमने डिस्कस किया था आपका मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हो गया, ये दोनों छोटे से पार्ट है, तो ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम बेसिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे।